ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं प्रोग्राम में अब स्वास्थ्य मंत्र की। आज की औषधि है अमरूद। दोस्तों अमरूद का नाम आते ही उसके बीजों के कारण मन थोड़ा सा खराब हो जाता है, क्योंकि जो लोग अमरूद को नापसंद करते हैं उसका मुख्य कारण अमरूद के बीच में आए हुए बीज ही होते होंगे शायद। लेकिन सच पूछे तो अमरूद गुणों की खान है। इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इतना अधिक कि 100 ग्राम अमरूद में 3 दिन की दैनिक आवश्यकता जितना विटामिन सी होता है। विटामिन सी शरीर में स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए इसे रोजाना के भोजन में शामिल करना आवश्यक रहता है। विटामिन सी शरीर के क्षतिग्रस्त टिश्यूज को दुरुस्त करता है, इसलिए अमरूद का विटामिन सी शरीर की रोगों के संक्रमण की रक्षा करता है, साथ ही रोगग्रस्त कोशिकाओं को मरम्मत भी करता है। इसके अतिरिक्त अमरूद में विटामिन ए तथा बी भी पाए जाते हैं। इसमें लोहा, चूना, फास्फोरस अच्छी मात्रा में होते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी बल देता है। दंत रोगों के लिए अमरूद बेहतरीन फल होता है। अमरूद के पत्तों को चबाने से दांतों के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, दांतों के संबंधित रोग दूर होते हैं। पके अमरूद को खाने से पेट का कब्ज दूर होता है। नियमित रूप से सेवन करने से अर्श रोग में भी लाभ होता है। गर्म रेत में अमरूद को भूनकर खाने से सूखी कफयुक्त और काली खांसी तक में आराम मिलता है। अमरूद में पोटेशियम, जिंक आदि मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं। आजकल बाजार में ताज़ा अमरूद आसानी से मिल पाए जा रहे हैं। इनका भरपूर उपयोग करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। हम आपके लिए हर रोज अपने आसपास से कुछ ऐसी औषधि, कोई ऐसा फल, कोई ऐसी चीज़ आप लेकर आते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य का भविष्य, यानी सब पहला सुख हमारे मनुष्यों ने निरोगी काया कहा। और हम आपको यहाँ एक ऐसा टिप देते हैं जिससे आपका अच्छा स्वास्थ्य आपको निरंतर प्राप्त होता रहे। आइए अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। जब किसी भी भूखंड में हम बदलाव कर रहे हों या नया घर बनाने के लिए अगर हम किसी प्लॉट को लेने की बात सोच रहे हों तो बहुत सारी बातों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। उनमें सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा प्लॉट किसी भी स्थिति में टी पर ना हो, यानी कि सामने से कोई ऐसा रास्ता सीधा हमारे प्लॉट पर ना खुल रहा हो जिससे यहाँ तक संभव हमें बचना चाहिए। कोई टी अगर कोई सामने से रास्ता अगर हमारे प्लॉट पर अगर खुलता है तो ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है प्लॉट की। इसके दो तीन मुख्य कारण हैं। पहला कि जब कभी भी कोई रास्ता हमारे प्लॉट पर आकर खुलता है तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें और वायु का प्रवाह सीधे हमारे भवन से टकराता है, जिससे उसमें रहने वाले लोग उसके प्रभाव में अनायास ही आ जाते हैं। भवन में वायु का तेज प्रवाह होने से तापमान का असंतुलन हमेशा बना रहता है, जो कि उस भवन में रहने वाले लोगों के व्यवहार में के असंतुलन को कई रूपों में प्रभावित करता है और उस तरह की परेशानियां लेकर के आता है। और ये स्थितियां लंबे समय तक बनी रहने से हमें गहरे से प्रभावित करती है, इसलिए यथासंभव ऐसी स्थिति को टाला जाना चाहिए। साथ ही इस बात का प्रयत्न करना चाहिए अगर कोई टी के ऊपर है भवन तो उसके सामने एक पेड़ों का, छायादार बड़े वृक्षों का एक ऐसी लाइन खड़ी कर दें तो उसके प्रभाव कम से कम हम तक आने दें। चाहें तो वहाँ पर एक मिरर भी लगा सकते हैं जो उसकी एक इमेज को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दे। चुप जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके लिए पानी का बहाव हमारे उसके सामने से, घर के सामने से बहता हुआ जल की व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो इस तरह के उपायों से हम उसे हालांकि कम कर सकते हैं उसके तनावों को, लेकिन यथासंभव अगर टी पर हमारा प्लॉट है तो उसे टाला जाने की आवश्यकता रहती है। लेकिन शासकीय कार्य, बड़े जो व्यावसायिक केंद्र हैं उनके लिए या किसी ऐसे भवन के रूप में उसे काम में लिया जा सकता है जहाँ बहुत सारे लोग अपने निजी कारणों से नहीं, व्यावसायिक तौर पर या अन्य कारणों से एक साथ वहाँ पर आते हों और अपना कार्य करके लौट जाते हों। आइए अब बात करते हैं प्रोग्राम में ज्योतिषीय उपायों की। आज हम बात करेंगे ज्योतिष उपाय में एक ऐसी समस्या की जिसमें किसी भी व्यक्ति के बार बार ये महसूस होता है कि उसका काम में मन नहीं लग रहा, जिन्हें काम को देख करके घबराहट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि वो कुछ भी काम शुरू करते हैं तो बस जल्दी से काम खत्म करके और वापस आराम की स्थिति में आना चाहते हो।
ऐसी स्थिति में जब आलस्य बार बार सता रहा हो, मन की स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं रहती हो, जब व्यक्ति ये सोचता हो कि यह काम मेरे लायक नहीं है और मुझे काम में कोई रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, इन सभी स्थितियों में सुबह जल्दी अगर आप हरी घास के ऊपर दौड़ते हैं, चलते हैं और कम से कम दिन में 3 बार अपनी सांसों की ऊंचाई इस स्तर पर लेके जाते हैं जहां आपको हल्का पसीना आ जाए, तो आप पाएंगे कि आपकी यह काम कर टालने की जो आदत है ये कुछ नियंत्रण में आएगी। कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपको काम करने की इच्छा स्वयं जागृत होगी। साथ ही ऐसी स्थिति में आप मूंगा धारण कर सकते हैं। यह एक ऐसा रत्न है जो आपके मनोभावों और आपके रक्त संचरण को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेगा और हमेशा आपको उत्साह की स्थिति में रखने के लिए आपके मन को प्रेरित करता रहेगा। मूंगा एक ऐसा रत्न है जिससे आप साहस, अपने कार्यों के प्रति दृढ़ निश्चय और साथ ही साथ अपने मन पर नियंत्रित करते हुए अपने लोगों के भी कार्यों को सहायता के तौर पर भी आपको लगेगा कि मैं अपना कार्य तो कर ही लूँ बल्कि दूसरों को भी मदद करूँ, तो ये एक अद्भुत स्थिति मूंगा पहनने से आपको प्राप्त होती है। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।